उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम आवास में नरेंद्र तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर सीएम ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए अलर्ट के बाद प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। तेज बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें भी सामने आ रही हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चिंता जताते हुए सभी से सावधानी बरतने की अपील की। साथ ही जिले में प्रशासन के द्वारा स्कूलों को बंद रखने के भी निर्देश दिए गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ में देश की रक्षा के लिए शहीद हुए रामपुर गांव के निवासी सूबेदार अजय रौतेला का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव रामपुर पहुंचा, जहां पर स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोमवार सुबह से ही खाड़ी बाजार से लेकर उनके गांव रामपुर तक अजय रौतेला अमर रहे के नारे से लोगों ने नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। आज जो है इस ग्राम सभा जो है रामपुर के लिए बड़े फख्र की बात है। ये उनका एक बेटा जो भारत माता के लिए जो है अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। आज पूरा गांव को दुख जरूर है कि उनका एक बेटा, एक बहन का भाई, एक पत्नी का सुहाग जो है आज देश के लिए कुर्बान हो गया। लेकिन गांव वालों को आज सीना भी जो है गर्व से जो है चौड़ा हुआ कि आज उनका इस माटी पे पड़ा बड़ा, इस गांव में पढ़ा लिखा एक हमारा अपना बेटा शहीद अजय गौतेला जो है आज शहीद हो गया। और साथ में आक्रोश भी बहुत है। पाकिस्तान को जो है बहुत नितांत आवश्यकता होगी ये कि उसको जो है सबक सिखाना पड़ेगा। आज पूरा जनता में, जनमानस में बहुत आक्रोश है कि आज हमारे जो है सैनिक जो है अपने देश में जो है पाकिस्तानी आतंकवादी जो है अंदर घुसकर जो है हमारे शहीदों पे जो है छुपकर वार कर रहे हैं। इसलिए आर पार की एक तरफ जो है लड़ाई होनी चाहिए और पाकिस्तान का जो है नस्तो नाबूद कर देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई किसी का बेटा फिर ऐसी जो है कुर्बानी न देना पड़े। इसलिए भारत सरकार से हमारा यही निवेदन है कि आप जल्द से जल्द जो है पाकिस्तान पे जो है हमला कर दें और उसका जो है नामो निशान जो है मिटा दें, तभी जो है ये भारत माँ के लालों को जो है शांति मिलेगी। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब राजनीतिक दल पूर्व सैनिकों को रिझाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ ही उनके परिवार वालों को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सैनिकों का अभूतपूर्व सम्मेलन है और मैं सबको प्रणाम करता हूं और इसके आयोजकगणों को, मई महात्मा के नेतृत्व में सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कितना फायदा इससे चुनाव में होगा सर, सैनिक किस तरीके से आकर्षित, क्योंकि भाजपा तो अपना दावा करती है। हमने ये सम्मेलन सम्मान के लिए बुलाया है क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण के पूरे हो रहे हैं, इसलिए हम दिसंबर के महीने तक इस तरीके के सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित कर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दो दिवसीय जिला अभ्यास वर्ग घनसाली स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में समाप्त हो गया। दो दिवसीय कार्यक्रम में टिहरी जनपद के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक राजपुष्प ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद अनुसुईया प्रसाद नौटियाल ने विद्यार्थी परिषद के बारे में विस्तार से चर्चा की और स्वामी विवेकानंद के विचारों को आगे बढ़ाने का आग्रह भी किया। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि गांव घरों, गांव और शहरों में क्या आजकल हो रहा है, क्योंकि देखो कि हमें जिस तरीके से संज्ञान में आ रहा है कि समरसता का कोई भी भाव किसी के मन में भी नहीं है। सबको लगता है कि हम एक समान है नहीं, क्योंकि हम सबसे पहले ये लेके चलते हैं कि हम समान हैं, हम सबको समानता का अधिकार भी है। क्योंकि जब हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करती है विद्यार्थी परिषद, क्योंकि दलगत राजनीति क्या है कि हमारा क्षेत्रवाद, जातिवाद और क्या है कि समाजवाद, ये होना इस भाव से हम काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करना ये सिखाती है विद्यार्थी परिषद। हमारा यहाँ पे टिहरी जिले का अभ्यास वर्ग था। टिहरी जिले की चार इकाइयाँ, घनसाली इकाई, खतीड़ी इकाई, चंबा और नई टिहरी के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए थे और कल से जो है हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है।